चलिए, तो आज की ऑनलाइन लाइव क्लास में आप सबों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग को मालूम ही है कि आज हम 12th हिस्ट्री के जो अध्याय या विषय 6 में जो शेष पॉइंट है उसको पढ़ाएंगे। और कल हमने निर्गुण परंपरा अर्थात भक्ति आंदोलन को बढ़ावा देने वाले जो दो शाखा थे, सगुण परंपरा और निर्गुण परंपरा, उसमें से हमने सगुण को कल पूरा कर दिए थे, निर्गुण शुरू किए थे। और निर्गुण परंपरा के विषय में हमने बताए थे और कहे भी थे कि निर्गुण परंपरा के प्रमुख संत कबीर थे और कबीर सॉरी निर्गुण परंपरा के प्रमुख संत कबीर थे, जिसके विषय में हम ये भी कहे थे कि डिटेल से बताएंगे भी। आज उसी को आज हम डिटेल से बताने जा रहे हैं। इसके लिए हमने पॉइंट बनाया, आप लोग भी कॉपी के बीच में लिख लीजिए, कबीर दास का जीवनी और उपदेश, आप लोग भी लिख लीजिए इसको और फिर सुनिए। आप एक बार शांत होकर सुन लीजिए पर इसके संबंध में, फिर हम लिखाएंगे भी। आप कबीर का जन्म ऐसा माना जाता है कि 1398 ईस्वी में वाराणसी में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था, लेकिन जन्म लेने के तुरंत बाद कबीर को त्याग दिया गया था। अर्थात उसको एक तरह से कहिए कि लवारिस के रूप में कहीं छोड़ दिया गया था, लेकिन उसको एक जुलाहा अर्थात इस्लाम धर्म को ग्रहण किया था, जुलाहा ने उसको अपने घर लाया और फिर उसको घर में रखा और उसका लालन पालन किया। वह घर बिल्कुल ही व्यापार से ओतप्रोत था, अर्थात उस घर में व्यापार का कार्य होता था। अतः कबीर जब बड़ा हुआ तो कबीर भी व्यापार के कार्य से नाता जोड़ लिया और इन्होंने भी व्यापार करने लगा। व्यापार के क्रम में इसको अनेकों हिंदू एवं मुसलमान बुद्धिजीवियों व्यापारियों से मुलाकात हुई और फिर मुलाकात होने के बाद इसके अंदर एक जिज्ञासा जगी कि सत्य क्या है, ईश्वर क्या है, और फिर इस पर इन्होंने काफी मंथन करने लगा। और कुछ दिनों के बाद इन्होंने यह कहा कि ईश्वर एक है, ईश्वर निराकार है, ईश्वर का कोई रूप नहीं है। इन्होंने मंदिर मस्जिद मूर्ति पूजा सबका विरोध किया। जी, उन्होंने कहा है कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहा। पाहन का तात्पर्य यहां पर पत्थर से है। कहा कि पत्थर को पूजने से अगर हरि मिलता है, हरि मतलब भगवान मिलता है, तो मैं पहाड़ को पूजूंगा। अर्थात इन्होंने ये पत्थर की पूजा, मंदिर मस्जिद नवाज इत्यादि सबका इन्होंने विरोध किया और इन्होंने एक ही बात कहा कि मन से पूजा होती है। उन्होंने ये भी कहा कि परिवार से पूजा करने के लिए, भगवान की आराधना करने के लिए, ईश्वर की आराधना करने के लिए, अल्लाह की आराधना करने के लिए परिवार से अलग रहना, बाबा जी बनना कोई जरूरी नहीं है। परिवार में रहकर ही आप भगवान की आराधना कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं। और फिर इन्होंने हिंदू मुस्लिम धर्म के बीच जो अंतर दिख रहा था उस पर भी इन्होंने व्यंग कसते हुए कहा कि ईश्वर एक है, कई हिंदू कोई मुस्लिम अलग अलग नामों से उसको पुकारते हैं, लेकिन ईश्वर एक ही है। अतः हम लोग ईश्वर को लेकर आपस में लड़े नहीं, ये भी इन्होंने कहा है। इस तरह से अगर आप कबीर के उपदेश को गहन पूर्वक अध्ययन करेंगे तो इससे स्पष्ट हो जाएगा कि कबीर ने धार्मिक क्षेत्र में एकता लाया, धार्मिक क्षेत्र में सादगी लाया, धार्मिक क्षेत्र को इन्होंने एक ऐसा क्षेत्र बनाया जिसको पारिवारिक जीवन में रहकर भी अपनाया जा सकता है। और आज भी हमारे देश में या दुनिया में भी इसके
बनाए रास्ता पर लोग चलते हैं। इस तरह से कबीरदास 1518 ईस्वी में स्वर्गवास हो गया, अर्थात मृत्यु को प्राप्त कर लिया। तो शायद आप कबीरदास की जीवनी और उपदेश को समझ गए और उन्होंने धार्मिक क्षेत्र में क्या परिवर्तन लाया उसको भी समझ गए। अगर इस पर कुछ डिस्कस करना है हमसे तो आप पहले कर लीजिए, उसके बाद दिखाएंगे। जी चलिए, तो आपके चुप्पी यह बता रहा है कि आपको इसमें किसी भी तरह का दिक्कत नहीं है, अतः हम अब आगे बढ़ते हैं और इसी पॉइंट को अब हम लिखाते हैं। चलिए आप लोग लिखिए। तो कबीर का जन्म 1398 ईस्वी में वाराणसी में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था, जिसको जन्म लेते ही त्याग दिया गया, जिसका लालन पालन एक मुस्लिम परिवार द्वारा किया गया, जो व्यवसाय से जुलाहा थे। प्रतापचंद जवान होने पर कबीर भी जुलाहे पोस्ट में व्यापारी का काम करने लगा। इस क्रम में उसे अनेकों हिंदू और मुस्लिम संतों से मुलाकात हुई और वह धार्मिक चिंतन में लग गया और फिर एक विशेष धार्मिक मार्ग को जन्म दिया, जिसमें ईश्वर को निराकार इसमें ईश्वर को निराकार बताते हुए एक ईश्वर की बात की। उसका मानना था कि ईश्वर एक है, जिसको विभिन्न नामों से जिसको विभिन्न धर्म वाले अलग अलग नामों से पुकारते हैं। इस तरह से उन्होंने धार्मिक क्षेत्र में जो अनेकता थी उसको समाप्त कर दिया। अब उपदेश देके जाए, कबीर का मानना था कि परिवार में रहकर भी ईश्वर की आराधना की जा सकती है, इसके लिए सन्यासी बनना जरूरी नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि ईश्वर की पूजा करने के लिए मंदिर मस्जिद पंडित मौलवी की आवश्यकता नहीं है। इतना ही नहीं, मूर्ति पूजा तथा नदी स्नान तीर्थ यात्रा नवाज जैसे प्रचलित आराधना की माध्यम की भी उन्होंने निंदा की। इस तरह से कबीर ने धार्मिक क्षेत्र को सादगी बनाने का भरपूर प्रयास किया और 1518 ईस्वी में अंतिम सांस ले लिया। तो इस तरह से कबीर दास का जो जीवनी था और उपदेश था उसको हमने लिखाने और समझाने का प्रयास किया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला बहुत ही शानदार पॉइंट है, वह पॉइंट है आपका गुरु नानक। गुरु नानक के फिर जीवनी और उपदेश के विषय में बताया गया है कि क्या उसका जीवनी था, क्या उपदेश था। वैसे दोनों का एक ही था लगभग, कबीर का भी है, इसका भी, चूंकि दोनों ही निर्गुण परंपरा के संत थे, ये थोड़ा सा उसमें था जो हम बताने जा रहे हैं। गुरु नानक का जीवनी और उपदेश पर पेन नीचा रखिए, सुन लीजिए। गुरु नानक भी निर्गुण परंपरा के संत थे और इसका भी जन्म व्यापारिक परिवार में ही हुआ था। जन्म लेने के बाद जब यह जवान हुआ तो कबीर के जैसे ही यह भी व्यापारिक कार्य से जुड़ गया और व्यापारिक कार्य
से जुड़ने के बाद इसे भी बहुत सारे संतों, बहुत सारे धार्मिक लोगों से रूबरू होने का मौका मिला और फिर यह भी चिंतनशील बन गया। और ऐसा माना जाता है कि एक दिन इसे ज्ञान की प्राप्ति अपने आप हुआ। उस ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई उस पर कोई ज्यादा डिटेल अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन इतिहासकारों का मानना है कि एक दिन उसे अपने आप ज्ञान की प्राप्ति हुई है। और फिर जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया और भ्रमण करके अपना उपदेश को लोगों तक पहुंचाया। सुन लीजिए इसका उपदेश क्या था। इसका मानना था कि कोई तप मार्ग से, कोई सन्यासी बनने से, कोई पूजा पाठ करने से, कोई पर्व त्योहार करने से, कोई फास्टिंग रखने से, कोई रोजा रखने से, कोई नमाज पढ़ने से, बलि प्रथा, कुछ से कुछ होने वाला भगवान मिलने वाला नहीं है, ईश्वर मिलने वाला नहीं है। इसका मानना था सिर्फ प्रेम से भगवान मिलने वाला है। एक ही चीज बताया कि सिर्फ प्रेम से भगवान मिलने वाला है। आप अगर गृहस्थ जीवन में भी हैं और भगवान के प्रति आपका अगर प्रेम है तो आपको भगवान मिलेगा। साथ ही साथ इन्होंने समाज में जो जाति धर्म का जो अलग अलग नियम कायदा धार्मिक क्षेत्र में अलग अलग ईश्वर थे, इसका भी उन्होंने विरोध किया। ताकि नहीं, सबका ईश्वर एक है, सबको एक ईश्वर के रूप में मानना चाहिए। सबका इन्होंने ये पूजा पाठ जाति धर्म का सबका विरोध किया। और फिर इन्होंने सभी जाति धर्म का विरोध करते हुए सभी धर्म को जहां एक माना वहीं सभी लोग को भी इन्होंने एक माना। अर्थात इसके प्रयास से जहां धार्मिक क्षेत्र में एकता आया वहीं समाज जो बिखरा हुआ था विभिन्न जाति विभिन्न तबकों में, उसमें भी एक होने का अवसर मिला, एक होने का वातावरण तैयार हुआ। मेरे भाई, मैंने तो इसके विषय में बहुत कम शब्दों में समझाने का प्रयास किया है, लेकिन फिर भी अभी के जो वक्तव्य था उस वक्तव्य में अगर कहीं पर आपको सस्पेंस है तो आप पूछ सकते हैं। जी चलिए, आपकी चुप्पी यह बता रही है कि आपको इस वक्तव्य में कहीं भी सस्पेंस नहीं है। अतः हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज इसको हम लिखा नहीं पाएंगे। अतः आज के क्लास को यहीं पर हम विराम दे रहे हैं।